डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जा रहे हैं डिस्कस करने, डिजाइन कंसिडरेशन। अब देखिए, डिजाइन कंसिडरेशन हम लोग किसकी बात करेंगे, कौन सा डिजाइन को आप जा रहे हैं कंसिडर करने, ठीक ना? तो ये डिजाइन कंसिडरेशन है बेसिकली प्रोडक्ट डिजाइन, ठीक ना? अब प्रोडक्ट डिजाइन का बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम आपको पहले ही हम बता चुके हैं, ठीक ना? प्रोडक्ट डिजाइन का जो है हम आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ द डिजाइन बताए थे, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन जो है ना, एम्बॉडीमेंट डिजाइन, डिटेल डिजाइन, प्लानिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, प्लानिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, प्लानिंग फॉर यूज, प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, ये सब हम बता चुके हैं। और उसके पहले हम आपको बताए थे डिजाइन प्रोसेस, ठीक ना? क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ द नीड, प्रॉब्लम डिफिनीशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, इवेल्युएशन एंड आउटकम। अब ये लास्ट टॉपिक इससे मिलता जुलता है, तीन टॉपिक इससे मिलता है। एक तो प्रोडक्ट डिजाइन का कॉन्सेप्ट हम आपको बहुत पहले ही बताए थे, जिसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और ये सब बताए थे, ठीक ना? और इसके बाद जो है हमने आपको जो है बताए थे कि प्रोडक्ट में क्या क्या होना चाहिए, तो रिलायबल, यूजेबल जो है ना, कॉस्ट कम होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग ये सब अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं, ठीक ना? तो इसी प्रोसेस में कि हम जो प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं तो व्हाट शुड वी कंसीडर, क्या क्या हमें कंसीडर करना चाहिए, ठीक ना? ये हम जो है बोले थे कि डिस्कस करेंगे, ठीक ना? अब इसी को डिस्कस करेंगे। इसी में क्वेश्चन को पूछा जाता है कई बार कि व्हाट आर दोज फैक्टर्स, इसी में क्वेश्चन में पूछेगा कि फैक्टर्स दैट शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट डिजाइन में कौन कौन सा जो है फैक्टर कंसीडर करना चाहिए, तो इस पर हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली जब डिजाइन कंसीडरेशन की बात करते हैं ना, डिजाइन कंसीडरेशन की जब भी हम बात करते हैं तो इसके कुछ अपने पैरामीटर्स हैं। डिजाइन कंसीडरेशन की जब बात करते हैं तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिजाइन को या कंपोनेंट को या पार्ट्स को या पूरे के पूरे सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है, ठीक ना? चाहे वह आपका ज्योमेट्री हो, ज्योमेट्री मतलब डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट हो, ठीक ना? या जो है आपका स्ट्रेंथ हो, मटेरियल की स्ट्रेंथ हो, ठीक ना? या इर्गोनोमिक्स हो, वो देखने में या कंफर्ट कितना, इर्गोनोमिक्स हो, या एस्थेटिक एस्पेक्ट्स हो, क्योंकि ये सब भी तो चाहिए, या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पार्ट्स हो, तो ये बहुत सारा चीज़ है। लेकिन मेन यदि हम बात करें तो देयर आर थ्री कैटेगरीज, ठीक ना? इन विच वी कैन कंसीडर द प्रोडक्ट, ठीक ना? कैटेगरीज जो है तीन कैटेगरीज है। पहला कैटेगरी जो है इसमें क्या है, आपका डिजाइन रिक्वायरमेंट लिख देते हैं पहले, उसके बाद एक एक कर, डिजाइन रिक्वायरमेंट, ठीक ना? दूसरा क्या है आपका, लाइफ साइकिल इशू एंड रूल्स एंड रेगुलेशन प्लस सोशल इशूज, ठीक ना? यहीं पे पहले हम लिख ही देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लाइफ साइकिल इशूज, और तीसरा है इसका कंसिडरेशन में कि रेगुलेटरी, मैंने गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन इको फ्रेंडली है कि नहीं, रेगुलेटरी एंड सोशल इशूज। तो दीज आर द इशूज विच वी कंसिडर व्हाइल डिजाइनिंग ए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डिजाइन में ये सारे आपको कंसिडर करने होते ही हैं, नहीं तो चलेगा नहीं, ठीक है? तो पहला हम लेते हैं डिजाइन रिक्वायरमेंट्स। डिजाइन रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहला जो पार्ट है आपका वह क्या है कि प्रोडक्ट शुड बी फंक्शनल,
जो भी आप फंक्शन उसको बोल रहे हैं वह कस्टमर को सेटिस्फाई करें, ठीक ना। अब इसमें जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट में भी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट की भी बात करें तो फिजिकल रिक्वायरमेंट हो सकता है, ठीक ना, इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट हो सकता है, ठीक ना, इन्वायरमेंटल हो सकता है, ठीक ना, एस्थेटिक एस्पेक्ट्स, उसके बाद जो है दूसरा एस्थेटिक एस्पेक्ट्स हो सकता है, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, हो सकता नहीं है, होता ही है एक्चुअली, यदि कहें तो लिटरली कहें मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद कॉस्ट, क्वालिटी, रिसाइकिल, रीसेल वैल्यू या रीयूज, इटीसी, ये सब जो है डिजाइन रिक्वायरमेंट्स के पार्ट्स हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा इशू आता है लाइफ साइकिल इशू, क्या लाइफ साइकिल इशूज, लाइफ साइकिल इशूज। अब ये लाइफ साइकिल इशूज क्या है, तो बेसिकली टोटल लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट विद द कंसेप्शन ऑफ नीड टू रिटायरमेंट, टू रिटायरमेंट, और इसका हमने एक ग्राफ बना करके भी बताया था कि ये आपका पहले क्या होता है, प्रोडक्ट आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर वो ग्रोथ करता है, इंट्रोड्यूस हुए, ग्रोथ हुआ, फिर मैच्योरिटी आई, फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट मार्केट से आउटडेटेड होने लगता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपडेट करें, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि मटेरियल सेक्शन कौन सा जो है, मटेरियल आप यूज करते हैं उसके ऊपर भी लाइफ साइकिल यूज डिपेंड करता है, और जो है क्या बोलते हैं उसको, ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करता है मटेरियल पर, कि मटेरियल अच्छे क्वालिटी की होगी तो बहुत दिन जाएगा आपका प्रोडक्ट, अदरवाइज जो है बीच में ही टाइटाएँ फिस कर जाएगा, ठीक ना। और मटेरियल की जो है दोनों तरह की प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसके बाद सर्विसेबिलिटी, सर्विस, सेल्स एंड सर्विस प्रॉपर मिल रही है कि नहीं, ठीक ना, तो ये एक दूसरा वो है, ठीक ना। उसके बाद मटेरियल कंजर्वेशन, ठीक ना, इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन, सॉरी प्रोटेक्शन, ये सब जरूरी है, ठीक ना। रेगुलेटरी की बात करें, रेगुलेटरी एंड सोशल, देखिए आजकल क्या है, गवर्नमेंट जो है ना नए नए वो लाते रहती है, ठीक ना, कमिटियां हैं, बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं, ठीक ना, जिसकी में हम लोग बात करते हैं, एक नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकेशन जो भी प्रोडक्ट का दे रहे हैं उसमें तीन चीज़ होता है, एक सिंप्लीफिकेशन, 3S जिसको बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशन, ये तीनों चीज़ों पर गवर्नमेंट का नज़र रहता है, ठीक ना। बहुत सारी सोसाइटी हैं, आप नाम सुने होंगे जो है ना, जैसे ASTM है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ASME है, ठीक ना, अपने इंडिया में भी ISO का नाम सुने ही होंगे, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। तो दीज आर दी कोड ऑफ इथिक्स ऑफ ऑल प्रोफेशनल इंजीनियरिंग सोसाइटी दैट रिक्वायर इंजीनियर टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। ऐसा तो नहीं कि कोई पानी का बोतल आप इस तरह से बना रहे हैं जिससे कि कैंसर का इफेक्ट आता हो शरीर पर, आता ही है। इसलिए कोई भी बोतल आप देखेंगे ना, तो पानी पीने के लिए आप जब खरीदते हैं तो बोतल को उल्टा कर लीजिए। अभी मेरे पास बोतल नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता, तो बोतल को जैसे ही आप उल्टा करेंगे ना, तो वहाँ पर आप देखिएगा एक ट्रायंगल बना होता है, ऐसा ट्रायंगल में क्या लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5 तक लिखा होता है। तो पानी पीने के लिए यदि आप खरीद रहे हैं ना, तो हमेशा 5 जो लिखा रहता है इसके अंदर वही वाला खरीदिएगा, हेल्थ के लिए वही अच्छा होता है। बाद बाकी आप ट्रेन में जब पानी खरीदते होंगे ना, तो जो पानी के बोतल में आप पलटाएंगे तो देखेंगे उसमें ट्रायंगल में 1 लिखा रहता है, मतलब इस बोतल में पानी सिर्फ एक बार पी सकते हैं, उसके बाद क्रैश करके इसको फेंक दीजिए, कहा भी जाता है, ठीक ना। तो इसको आप इसको देखिएगा। इसी तरह से एक जो है
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं OSHA, OSHA एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये रेगुलेटरी बॉडी है जो कंपनियों पर नज़र रखती है कोई ऐसा तो प्रोडक्ट नहीं बना रहा है जो पब्लिक के हेल्थ के लिए, ये सेफ्टी के लिए खतरनाक हो जाए, ठीक है ना। एक कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन है, ये भी गवर्नमेंट का ही है, CPSC बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी जो है कमीशन, कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन। एक और होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA, ये तो बहुत ज़्यादा जो है एक ग्रीन ट्रिब्यूनल आजकल बन गया है और नया, ठीक है ना। दीज आर दी सोसाइटीज, टेक्निकल सोसाइटीज विच कीप आई ऑन दी कंपनीज हु आर मेकिंग दी प्रोडक्ट हु कैन अफेक्ट दी इन्वायरमेंट हेल्थ, ठीक है ना, सेफ्टी, ये सब जो है। अनदर इम्पॉर्टेंट डिजाइन कंसिडरेशन इज ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन का अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, भला होना चाहिए, ठीक है ना। तो ह्यूमन इंजीनियरिंग दैट मीन्स कॉल्ड इर्गोनॉमिक्स, उसके ऊपर भी जो है ध्यान कि ह्यूमन के लिए कम्फर्ट हो, देखने में बहुत अच्छा लग रहा हो लेकिन ह्यूमन के लिए कम्फर्ट नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है। सेफ्टी होना चाहिए, इफिशियंटली होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो दीज आर द रेगुलेटरी एंड सोशल इश्यूज। तो आज जो हम लोग डिजाइन कंसिडरेशन करते हैं, तो डिजाइन में जितना आप ह्यूमन कम्फर्ट के लिए सोच सकते हैं ये सब आपको सोचने हैं, सब आपको सोचना है, ठीक ना, अदरवाइज जो है दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये डिजाइन कंसिडरेशन था, ये हमने आपको बताया डिजाइन रिक्वायरमेंट, सबसे पहला पार्ट है आपका, ये सबसे पहला पार्ट है क्या, डिजाइन रिक्वायरमेंट। डिजाइन रिक्वायरमेंट में क्या क्या है हमने आपको बता दिया कि एस्थेटिक देखने में अच्छा लगना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग भी आसान हो, कॉस्ट भी उसका कम हो, क्वालिटी अच्छी हो, उसकी ब्रांडिंग अच्छी हो, मार्केट में उसकी वैल्यू अच्छा हो, रिसाइकिल हो, रीसेल हो, ये सब हमने आपको बताए, ठीक है ना। पिछले कुछ वीडियो में और बहुत डिटेल में इसको हमने बताए हैं, ठीक है ना। लाइफ साइकिल इश्यूज भी हमने बताए, ठीक है ना, कि प्रोडक्ट के इंसेप्शन से लेकर के और फाइनल जो है ना डिस्पोजल तक प्रोडक्ट का सब अच्छा होना चाहिए। रेगुलेटरी एंड सोशल इश्यूज हमने बताया कि ये आजकल सबसे इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट चेंज होती है तो अपने लोगों को भी कई बार प्रमोट करने के लिए नए नए सोसाइटियाँ बना देती है, तो आपको वो नॉर्म्स फॉलो करने हैं, ठीक है ना। नॉर्म्स फॉलो करेंगे तो ही मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज सर्वाइवल आसान नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रोडक्ट डिजाइन से ही रिलेटेड, कौन सा, 3S। 3S का भी हम बता ही रहे थे क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। तो तीनों चीज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक सेपरेट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। फिर इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ETC डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और अभी तो ये चलेगा प्रोडक्ट डिजाइन में, अभी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप ऑलवेज स्माइलिंग। दुनिया जाए कश्ती में, खुद रहो मस्ती में। हमारे हर एक वीडियो को खूब देखिए, जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग तेज होगा और चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहेंगी। इसीलिए लैंग्वेज भी हम आपका लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं, कोई हाई फाई लैंग्वेज यूज नहीं करते, इंग्लिश यूज नहीं करते। आजकल इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आप सीखते हैं, जो भी जानते हैं, ठोस तरीके से आप जानिए उसको। कोशिश कीजिए कि आप वीडियो को दो बार तीन बार देख लें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और साथ में इसको मत भूलना दोस्त, शेयर एंड, ठीक है, बोलना ना पड़े। थैंक यू वेरी मच।